भाई लोग कैसे हो। तो आज हम न्यू बजाज एवेंजर 180 स्ट्रीट का वॉक अराउंड करेंगे। सबसे पहले इसके लुक से स्टार्ट करते हैं। तो लुक आप इसका देखो, जैसे एवेंजर 220 स्ट्रीट थी सेम वैसा ही लुक है, लेकिन थोड़ा सा ग्राफिक्स में डिफरेंस है और बाकी लुक बिल्कुल सिमिलर है। और इसका आप ये फ्रंट का लुक देखो, फ्रंट में आपको एलईडी डीआरएल्स मिलते हैं। और इसमें जो पार्ट्स यूज हुए हैं, इसके जो मटेरियल्स हैं वो भी अच्छी क्वालिटी के हैं, मतलब बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है इसकी, जैसे कि पहले भी आपको बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी मिलती थी। और गाइस ये है इसका बैक रेस्ट, और बैक रेस्ट की वजह से इसका जो पीछे का पीछे से लुक है वो भी काफ़ी अच्छा मिलने वाला है आपको। अब बात करते हैं इसके इंजन की। तो इसमें आपको 180 सीसी का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर, और इसकी पावर आप 15.3 bhp एट 8500 rpm, एंड इसका टॉर्क जो है वो है 13.7 न्यूटन मीटर एट 6500 rpm। तो इसकी जो पावर है, जैसे कि आपको पता होगा ये रिप्लेसमेंट है एवेंजर स्ट्रीट 150 का, 150 स्ट्रीट थी, तो उसमें सिटी राइड में तो जो दिक्कत नहीं थी, सिटी राइड के लिए काफ़ी अच्छी थी, लेकिन जब आप उसको हाईवे पे राइड करते थे थोड़ी बहुत आपको लगता था कि पावर कम मिल रही है आपको, मतलब आप अच्छी स्पीड नहीं पकड़ पाते थे, अच्छा पिकअप आपको नहीं मिल पाता था। तो अब आप थोड़ा सा इसमें पावर इंप्रूव हुआ है तो थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस में ज़रूर इंप्रूवमेंट होगी। और यहीं पर अगर इसको अपन इंट्रूडर से कंपेयर करें, जैसे जो सुजुकी की इंट्रूडर 150 है उससे अगर कंपेयर करें, तो जो इंट्रूडर का प्राइस है वो लगभग 20,000 एवेंजर 180 से ज़्यादा है, लेकिन यहीं पर पावर थोड़ी सी इंट्रूडर की कम है। अब आप इसके ब्रेक देखो, तो इसमें आपको सिंगल डिस्क मिलता है जो कि ठीक है, मतलब एवेंजर 220 में भी अभी भी आपको सिंगल डिस्क ही मिलता है, तो इसमें भी सिंगल डिस्क है हाँ, लेकिन यहीं पे अगर इंट्रूडर की बात करें तो इंट्रूडर में आपको डुअल डिस्क मिलता है। और गाइस इसका वेट है 150 kg, और बाकी इसकी परफॉर्मेंस जो है वो राइड करने के बाद ही पता लगने वाला है, ये तो केवल आप लोगों के एक वॉक अराउंड था। और जैसे ही किसी यूज़र के पास आती है मेरे कॉन्टैक्ट में, तो मैं इसका यूज़र रिव्यू भी देने की कोशिश करूँगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे, सी यू सून।